आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल 5 बेस्ट मूवीज के बारे में, जो एकदम कमाल धमाल एंड बेमिसाल होने वाली है, जिन्हें आपने शायद ही देखा होगा। लेकिन उससे पहले गाइस, इस वीडियो का पार्ट 1 और 2 देखना मत भूलना, जिसमें मैंने कई बेस्ट नेटफ्लिक्स मूवीज मेंशन की है। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। नंबर 5 पे 2017 की हॉरर कॉमेडी मूवी द बेबी सीटर। 12 साल के लड़के को अपने बेबी सीटर पर बहुत बड़ा वाला क्रश है, पर एक रात उसे पता चलता है कि उसकी बेबी सीटर एक मर्डरस ग्रुप से बिलोंग करती है। फिर क्या, उसे किसी भी हाल में सर्वाइव करना है, वरना वही क्रश उसकी जान ले लेगी। आपने होम अलोन फ्रेंचाइज तो जरूर देखी होगी, बस समझ लीजिए कि उसी का ये अडल्ट वर्जन है। और पहले ही वार्निंग दे दूं कि मूवी में एकदम खतरनाक वाला वॉयलेंस है। सबसे बेस्ट बात है कि फिल्म सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट की है। इसका पार्ट 2 भी अवेलेबल है, पर मैंने उसे नहीं देखा तो उस पर कमेंट नहीं करूंगा। और ये फ्रेंचाइज स्ट्रिक्टली 18+ है। ये सब कौन कर रहा है? नंबर 4 पे विद 2 पार्ट साइफाई थ्रिलर फ्रेंचाइज एस्केप रूम। 6 लोग एक एस्केप रूम कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, जहां जीतने वाले को $10,000 मिलेंगे। पर वो कोई ऐसा वैसा कंपटीशन नहीं, उन्हें हर राउंड एकदम सूझबूझ, समझदारी, टाइम लिमिट में इमोशन को साइड रखकर खेलना होगा, वरना उनका मरना तय है। अगर स्क्विड गेम जैसा मजा आपको मूवी में चाहिए तो ये फ्रेंचाइज को जरूर देखना भाई। वो एस्केप रूम एक से बढ़कर एक थे और उन्हें सॉल्व करना उतना ही नामुमकिन। लिटरली ये मूवी आपकी फाड़ के रख देगी। तो इस एज ऑफ द सीट साइफाई थ्रिलर के लिए रेडी रहना, एंड इसे आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। नंबर 3 पे 2020 की मिस्ट्री क्राइम मूवी एनोला होम्स। हम सभी ने शर्लक होम्स की कहानियां तो सुनी है, पर ये मूवी उनकी छोटी बहन एनोला होम्स की कहानियां हमें बताती है, जहां उसे अपने स्किल्स यूज करके अपनी गुमशुदा माँ को ढूंढना है, और इसी दौरान उसके रास्ते में कई रुकावटें आती है। ये मूवी आपको एकदम शर्लक होम जैसी पहेलियां, मिस्ट्रीज एंड डिटेक्टिव वाली वाइब देगी। कई बार तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। मूवी का प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था, उस पर मिली बॉबी ब्राउन की सुपर एक्टिंग एंड एनोला होम्स का फोर्थ वॉल ब्रेक करना, ओए होए मजा आ गया। फिल्म एक्शन एंड एडवेंचर से लैस है, बस इसका ड्रामा पार्ट मुझे खींचा हुआ लगा, अदरवाइज मूवी मस्त है। और आज ही नेटफ्लिक्स पर इसका पार्ट 2 रिलीज हुआ, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी जल्दी देख लो। एंड यस, ये फैमिली फ्रेंडली है। 3, 2, 1 Come on, baby. Hold on. नंबर 2 पे 2017 की साइफाई एक्शन मूवी जियो स्टॉर्म। धरती पर ऐसा समय आ चुका है कि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स पृथ्वी के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, पर एक दिन उन्हीं सैटेलाइट्स में तकनीकी खराबी आ जाती है। फिर क्या, धरती की ऐसी की तैसी होने में देर नहीं लगती, भूकंप, बाढ़, बवंडर सब एक साथ आ जाते हैं। मानो स्क्रीन पर 2012 मूवी चल रही हो। इसका CGI कॉन्सेप्ट एंड साइंस फिक्शन पार्ट मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको डिजास्टर सर्वाइवल टाइप की फिल्में पसंद है तो इसे मिस मत करना। मूवी में बस एक किसिंग सीन है, उसके अलावा आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं। नंबर 1 मूवी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट लाता रहूं। नंबर 1 पे 2015 की रोमांस क्राइम मूवी फोकस। निकी एक माहिर कॉन आर्टिस्ट है, जो जेस नाम की लेडी को कॉन करने के सारे पैंतरे सिखाता है, और देखते ही देखते उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है, पर वो अलग होने का डिसाइड करते हैं। कुछ सालों बाद जब वो फिर से आपस में टकराते हैं तो सब गड़बड़ हो जाती है। ये मूवी में आपको कॉन, हाथ की सफाई, येड़ा बनकर पेड़ा खिलाना एंड पैसा ही पैसा देखने को मिलेगा। उस पर विल स्मिथ एंड मार्गरेट रॉबी की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, सच में इन दोनों से बेहतर कास्टिंग हो ही नहीं सकती। मूवी में ढेर सारे ट्विस्ट थे जो आपको सरप्राइज कर देंगे, और इसके रोमांटिक एंगल को हम कैसे भूल सकते हैं। तो गाइस, इस मूवी को मिस मत करना, पर ये स्ट्रिक्टली 18+ है। तो ये थे 5 बेस्ट मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आपने इस लिस्ट की कौन सी मूवीज देखी है या फिर देखने का सोचे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइस, इसका पार्ट 1 और 2 देखना मत भूलना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छे अच्छे मूवीज का रिकमेंडेशन आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए मूवी लवर आपसे विदा लेता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी मूवी या सीरीज के टॉपिक लेके। टिल देन, बाय बाय, सी यू, पीस आउट।